जो है ये अजंता के प्रोडक्शन है, अजंता IVF के प्रोडक्शन, और आज से ये हमारी अजंता की फैमिली में आ गए। दे आर ए पार्ट ऑफ अवर फैमिली नाउ। अब ये कितने भी बड़े होते जाए, 20-25 साल के हो जाए, कहीं भी नौकरियां करें, कहीं भी पढ़ाइयां करें, पर लेकिन ये होंगे हमारे हिस्से, ठीक है। तो ये आज जा तो रहे हैं, लेकिन हमारा बंधन नहीं टूटना है और स्ट्रांग होना है। तो ये एक लड़का है, देखिए भगवान ने कितनी दया करी, एक लड़का एक लड़की का तेरा तेरी भी तो लड़कियाँ तेरे तो बेटे हैं, सगाई कर ले छुट्टी, इससे बढ़िया क्या होगा, इससे बढ़िया क्या होगा। दो कुड़िया दो मुंडे एक साथ आ रहे हैं, आ जाओ बैठ जाओ, बड़ी अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी। कम कम सिट डाउन, दैट्स अ नाइस डे, ओके। तो अच्छा, मेरा क्या चक्कर है कि एक और ट्विन्स हैं, वो बेटा बेटी है, वो ऐसा रट गया मेरे को, उसकी चुईया सी बिटिया है और मोटू सा बेटा, तो वो 312 का, तो मेरे को वो याद रहता है, इसके कमरे में जब सब जाती हूँ उसको याद करने। तो अब पहले, सबसे पहले तो दादी माँ खड़ी होगी, नाउ शी इज गोइंग टू टेल यू, शी इज गोइंग टू टेल यू अपने दिल के उद्गार, अपने दिल की भावनाओं को, कि उनको हमारे साथ का सफर कैसा लगा, क्या क्या हुआ। और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं ये लोग, रोने लगते हैं, ये तो मैं देखती हूँ, प्लीज रोना नहीं, है ना। चलो देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, पहले हमने अपनी बहू का ऑपरेशन यहाँ कराया, इन्हीं की गाइडेंस में हमने फिर IVF कराया। करीब 1.5 साल से अजंता हॉस्पिटल से जुड़े हुए, तो बिल्कुल परिवार की तरह हमारा इनके साथ लगाव है, और यहाँ से भी हमें उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सारा स्टाफ, सारे डॉक्टर्स, मतलब इतना रात बेरात कभी फोन किया, हमको पूरी हेल्प मिली। और बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि बस इनकी बात सुन के आगे चलिए, क्योंकि ये जो कहते हैं, उस टाइम हमको लग रहा था कि फिर एडमिट करना है, फिर एडमिट करना है, बीच बीच में उसको प्रॉब्लम हुई तो, लेकिन वो बहुत अच्छे के लिए था, क्योंकि हमको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, और इतना सहयोग है, इतना सहयोग है डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर सुकृति, डॉक्टर मेघा, जैसा कभी रात में भी फोन किया, उन्होंने 10 बार जैसे एक बार वो बेटी पूछ लेती थी, उसके बाद हम भी पूछते थे, तो उतनी ही प्यार से बताते थे। तो हम तो यही कहेंगे कि इनकी गाइडलाइन में जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सहयोग मिला। चलो थैंक यू जी वेरी मच, क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत ही कोऑपरेटिव कपल, बहुत ही कोऑपरेटिव पूरा परिवार, जैसे जैसे कहते थे ब्लाइंड फेथ, और 2-3 झटके भी इस बीच में लगे, कहीं ब्लीडिंग, कहीं लीकिंग, कहीं पेन, कहीं कुछ, कहीं कुछ, लेकिन ये है कि लास्ट तक ये बस इसने विश्वास रखा और आगे भगवान की दया रही, हम लोग का ट्रीटमेंट चला और इन्होंने जैसा कहा वैसे करा, और वी वर ऑल सो हैप्पी कि जब ये दोबारा इस बार भर्ती हुई थी तो वी लॉस्ट द होप क्या होगा, बट सडनली भगवान ने बहुत दया करी। चलो अब तुम दोनों में से कौन बोलेगा, जो बढ़िया वक्ता है। लेडी हमेशा बोलती है ना, घर में भी बोलती है, चलो भैया कोई बात नहीं, कहो कोई दिक्कत नहीं, अविश्वास सब कुछ बोल जाएंगे। चलो मैम आप तो इन्हीं को बोलना है, और बड़ी मेहनत करनी है, 2 बच्चे जल्दी आसानी से पलते नहीं है, पूरा परिवार लगेगा बेटा तब ट्विंस पलेंगे, अभी तो एक ही देखो पालने में बड़ी दिक्कतें होती है। चलो जैसे कि मैम ने कहा कि पूरा परिवार है, तो हमको वैसे ही मतलब फीलिंग आई, कभी भी मतलब आपने कॉल किया हो किसी भी टाइम पे, आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। कभी मतलब उस चीज पे इरिटेट होके किसी ने भी, किसी भी डॉक्टर या किसी भी नर्स की अगर हम बात करें, बहुत कोऑपरेटिव है, और इंजेक्शंस में पेन होता है, तो रियली मैं आपसे कह रही हूँ इंजेक्शंस में पेन बहुत कम, अगर आपको यहाँ पे सब सपोर्ट करने वाली हूँ तो आपको इंजेक्शन में पेन भी बहुत कम, वो ना के बराबर ही लगेगा। तो IVF का ट्रीटमेंट इज नॉट बहुत हवा बनाया जाता है, बट ठीक है, लेकिन मैम ने बहुत इजी बना दिया उस सफर को, जबकि इसका मैं तो कह रही हूँ ना, इसको 2-3 भगवान नेचर में झटके लगे, उसके बावजूद लुक एट द ब्रेवरी ऑफ द होल फैमिली,
कि वो कह रही है कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई, सब मैनेज हो गया. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. आप आंख बंद करके आप फेथ कर सकते हो मैम के ऊपर. अगर मैम ने कह दिया कुछ आप लोग को तो उसको समझ लो कि मतलब वही करना है, तभी आप उसको सफल कर सकते हो. थैंक यू सो मच सभी. रिद्धि और सिद्धि, क्या नाम है यार? मैम गोवा के लड़के हैं. और रिद्धि सिद्धि तो शायद दुर्गा माँ के ऊपर है. अच्छा नाउ वी आर श्वेता, यू पकड़ाओ इनको, एक इसके कार्ड पकड़ाओ. लो जी ऐसे मैं पकड़ लूँ, मैं ये मेरा इसका है, एक इसका है, और ये लाओ ये कार्ड है. अभी तरी भी कार्ड पकड़े. एक पैर पे खड़े होके, एक टांग पे खड़े होके ये सर की लेडी ने. कभी कभी किसी को कहे ना कि माँ और सास में अंतर नहीं होता, तो ये ज्वलंत उदाहरण है. 1000 में एक मदर सर मदर इन लॉ ऐसी होती है. नहीं, अगर आप कहे कि माँ और सास में अंतर नहीं होता है, तो मैं ये एग्जाम्पल आपको दूंगी, क्योंकि इन्होंने, मैंने 100-100 मदर इन लॉ के बीच में एक मदर इन लॉ ऐसे देखी होती है जो माँ की तरह बहू को प्यार करती है. थैंक्स टू ऑल फैमिलीज इन लॉज के जिसने इतना आईवीएफ करने का आगे कदम बढ़ाया. मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी जब तक इनका हाथ ना चला. ये मदर है इनकी, बिल्कुल मदर. चलो जी, इनके लिए क्लैपिंग. नानी, नानी और आप बोल लगी. अरे नानी को कोई बुआ दादी बोल थोड़ा नेक मिलना चाहिए. जब केक कट रहा था किसी और का तो ये प्रसाद खा के गई. तो अभी ये टोटका है यहाँ का कि जब प्रसाद खा के जाइएगा, चाहे लड़के लेना पड़े, जिसको बेबी चाहिए वो लड़के ले कि मुझे दो थोड़ा सा. तो इतना सा भी चखिए, चाहे डायबिटिक हो तब भी चलो से चखिएगा, क्योंकि इसका टोटका है. अरे खड़ी हो गई, अपना अपना माल ले. चलिए जी, मेरे पेट में ऐसे चिपके पड़े. नहीं तो फिर मेरे हाथ से नहीं कटेगा, तुम लोग काटो. हाथ आप ऐसे लगा लीजिए, मैं तो ऐसे ऐसे कर लूंगी. आप कुछ नहीं होगा मेरे साथ, तुम पकड़ो. पिताजी इतने पीछे रहोगे, तुम हद भी हो गई, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं तुम्हारा. चले तालियां. नमस्ते नमस्ते. मेरा ऐसे लगा दो उंगली, लगा दो उंगली ऐसे ऐसे वाली. ये गुड. चलो सब डॉक्टर की अपनी अपनी पेट डॉक्टर रहती है. इनकी पेट डॉक्टर जो थी ना, वो मेगा मैम नमस्ते. चलिए अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपने इनकी तो सुन ली, अब मेरी भी सुन लीजिए. मेरे स्टाफ के लिए मेरे कहने से बहुत बड़ी तालियां. वहाँ से लेकर वहाँ तक वो हेमिना बैठती है, हेमिना के साथ वहाँ पर उनके पूरा रिसेप्शन स्टाफ, गुरुज, सची और कौन कौन और आई है, हमारे साथ नई भी लड़कियाँ आ गई है, अफसाना एंड दीपिका, ऑल आर देयर. सो बी गुरुज को दिया, अब तो गोदी पकड़ो.